शाम का वक्त था उस टाइम पे 1-2 बजे का, और इतनी भयानक बारिश हो रही थी और हमारे ना घर पे फ्लैट ढह गया। चुटकियों में पक भी जाता है, ये इस चूल्हे का फायदा है। ये देखो बहुत कम लकड़ियाँ यूज होती है इसमें। गुड इवनिंग गाइस, वेलकम बैक टू माय सिंधुतरम ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो स्वागत है आपका मेरी नई वीडियो में, और आज है जन्माष्टमी, और सभी को सबसे पहले जन्माष्टमी की ढेर सारी बधाइयाँ। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपके घर में भी जन्माष्टमी का व्रत रखा जाता है कि नहीं। और हमारे घर में तो रखा जाता है, और वो व्रत है मम्मी का। तो मम्मी से मैं अभी आपको मिलवाती हूँ। मम्मी तो अपने व्रत की तैयारियों में जुड़ गए हैं। तो मम्मी आ गए यहाँ पे अपने किचन में, और यहाँ देखो सबसे पहले मम्मी ने सफाई किया, क्योंकि यहाँ पे बन रहा है प्रसाद, बन रहा है यहाँ पे, तो इसलिए मम्मी ने पहले पूरे किचन को अच्छे से लिपाई कर दी है। और मैं यहाँ पे जूते बाहर खोलूँगी, क्योंकि अंदर बन रहा है प्रसाद, तो इसको तो आपको पता ही है नंगे पाँव ही बनाना पड़ता है। तो ये देखो जी, मम्मी ने अपनी प्रसाद की तैयारियां स्टार्ट कर दी है। और सबसे पहले मम्मी क्या कर रहे हैं, क्या भून रहे हैं आप? बिट्ठू। और आज लगता है बिट्ठू का प्रसाद, मतलब बिट्ठू का हलवा बनाया जाता है जो प्रसाद में चढ़ाया जाता है। तो मम्मी ने अपनी तैयारियां लगभग पूरी कर दी है। यहाँ देखो भून के मम्मी ने इतना सारा बिट्ठू रख दिया है, और ये है लास्ट वाला, बस इतना ही बचा है। तो अभी तो ये सिर्फ बिट्ठू मम्मी ने भुना है, और भी बहुत कुछ तैयारियां होती है, तो वो मैं आपको बारी बारी से अभी दिखाती हूँ। फिलहाल मम्मी ने ये भुन लिया है, और इसको भुनने का तरीका होता है, ये हमने स्पेशली होता है, ये हमारा चूल्हे के पास रखा जाता है, इसको चूल्हा बोलते हैं। तो इससे ही हमारी मोड़ी होगी या कुछ भी भुनना हो तो इससे ही हम भुनते हैं। तो अगर मैं मौसम की बात करूँ ना, तो इतना ख़राब हो गया ना मौसम, ये देखो। और अभी तक धूप लगी थी, और अचानक से इतना मौसम ख़राब हो गया है। और यहाँ पे आप देख सकते हो ना, यहाँ देखो सामने इतनी बारिश हो रही है, और यहाँ तक आवाज़ आ रही है, और यहाँ पे भी ये पहुँचने ही वाली है बारिश गाइस, 2 या 4 मिनट में। ये देखो बूंदाबांदी तो स्टार्ट हो ही गई है, बस मोटी मोटी बारिश आना बाकी है अभी 2 या 4 मिनट में। और मम्मी देखो अपनी तैयारियों में लगी है, तेल लेके कहाँ जा रही है, और ऐसी बारिश आ गई है ना। अब मेरे चूल्हे में तो मम्मी अपने चूल्हे में आज प्रसाद बना रही है, तो और शिवा ने क्या कर दिया ये। वो भी तेज चल रही है आज तो, ये देखो। तो बारिश स्टार्ट हो गई गाइस, और मम्मी गए हैं वो दूसरे वाले किचन में, तो देखती हूँ क्या कर रहे हैं वो ऐसी बारिश में। तो मम्मी ने इधर बनाना स्टार्ट भी कर दिया है, तो ये बन रहा है गाइस हलवा। तो ये मैं बताती हूँ, ये वो बिट्ठू जो मैंने दिखाया था ना आपको वीडियो, पिछली वीडियो में, तो ये हमने अच्छे से इसमें धूप लगाई और अच्छे से इसको छांट के, तो ये तैयार किया है हलवे के लिए गाइस। इसका हलवा इतना टेस्टी होता है ना खाने में, बाकी तो मुझे इतना हलवा ज़्यादा पसंद नहीं है, पर ये वाला हलवा तो मैं बहुत शौक़ से खाती हूँ। तो और भी बहुत कुछ करते हैं बाकी व्रत में, तो सिंपल सा आप प्रसाद बनाते हो, इसमें और भी आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा कि किस तरह से प्रसाद बनाया जाता है और क्या क्या चीज़ें यूज़ होती। तो ये बारिश की गाइस अभी लगनी थी, और मम्मी ने देखो तैयारियाँ कर दी है यहाँ पे हलवा बनाने की, तो मम्मी ने बना भी दिया है। और क्या डाला है इसमें वैसे? अच्छा, और हाँ हाँ, मीठे में इसमें चीनी का यूज़ नहीं होता गाइस, गुड़ डली जाती है जो कि सेहत के लिए भी बहुत हेल्दी है। तो घी और बिट्ठू, और फिर उसमें डालना है गुड़। आपका हलवा रेडी।
तो यहाँ मम्मी की ये मम्मी का चूल्हा ही स्पेशली, मम्मी यहाँ पे खाना बनाते हैं और बाकी चीज़ें भी बनाते हैं। मैं तो यहाँ पे आती नहीं हूँ, आपको पता है इतना दूर आना पड़ता है, और अगर तो बारिश हो तब तो बिल्कुल नहीं इतना। पर मम्मी या तो मम्मी ने आगे क्या क्या नज़ारा लगाया है इसमें बहुत कुछ चीज़ें, मैंने आपको आधी चीज़ें तो दिखा भी दी है। तो फिलहाल हम बात करते हैं हलवे की, और बारिश इतनी ज़ोर से हो रही है ना, आवाज़ ही नहीं आ रही है। तो इसमें ना लकड़ी भी देखो बहुत थोड़ी सी लगती है, और इसमें जो भी आप पका रहे हो ना चुटकियों में पक भी जाता है, ये इस चूल्हे का फ़ायदा है। देखो बहुत कम लकड़ियाँ यूज़ होती है इसमें, और धुएँ का तो नामो निशान ही है, जबकि इसमें पाइप तक नहीं है गाइस, कुछ भी नहीं है इसमें, पाइप भी यूज़ नहीं है, और एक ही चूल्हा है इसमें, एक ही चूल्हा है। वैसे यहाँ पे हमारे दो मैक्सिमम होते ही है चूल्हे, यहाँ पे सिर्फ इसमें एक ही चूल्हा है। हाँ उसके तब इसमें अच्छी आँच लगती है। ये देखो बन रहा है हमारा हलवा भी, लगभग बन गया ये, और सबसे टेस्टी हलवा होता है बिट्ठू का हलवा। तो गाइस मम्मी ने पूजा की तैयारियां शुरू कर दी, और मैं आपको दिखाऊंगी कि पूजा में क्या क्या प्रसाद चढ़ता है। बिट्ठू का हलवा तो मैंने आपको दिखाया ही था, उसके अलावा क्या क्या प्रसाद में चढ़ता है वो मैं आपको भी दिखाऊंगी। तो ये देखो मम्मी ने थाली सजा दी गाइस, ये तो है बिट्ठू, जो बिट्ठू का हलवा जो मैंने आपको पहले दिखा दिया है, और इसमें है इसके साथ साथ खीरा है और आलू है, और इसमें सेब है, नाशपाती है, सारी चीज़ें इसमें, फ्रूट भी इसमें चढ़ाए जाते हैं, और यहाँ पे थोड़े से फूल भी चढ़ाए जाते हैं, और साथ में यहाँ पे टीका भी है। तो ये सब चीज़ें, ये इन सब चीज़ों का प्रसाद बनाया जाता है गाइस जन्माष्टमी में। हम लोग तो इस चीज़ का प्रसाद बनाते हैं। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना आप लोग कैसे अपना फास्ट बनाते हैं, कि किस तरह से भगवान जी को चढ़ाते हैं, वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अभी थोड़ा सा अंधेरा है क्योंकि लाइट गई है गाइस, और लाइट क्यों गई है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो लाइट जाने का असली रीज़न ये है कि इतनी भयानक बारिश हो रही है गाइस, अभी हल्की सी कम हुई है, बाकी अभी तक इतनी भयानक बारिश हो रही थी, और आप देख सकते हैं चारों तरफ धुंधी छाई है। और अगर ऐसी बारिश रात को होना तो गाइस मैं तो सो भी नहीं सकती हूँ, क्योंकि मुझे सबसे गंदी लगती है बारिश। तो आप देख सकते हो इतनी, अब बस यही प्रे कर रही हूँ कि जल्दी से ये बारिश रुक जाए। तो अभी मम्मी ने व्रत पूछ लिया गाइस, और अब करते हैं डिनर की तैयारी। और डिनर में मैं आज बना रही हूँ गोभी की सब्जी, और जो गोभी वो वाली गाय जो हमने खुद अपने बगीचे में उगाई है मम्मी ने, तो वो वाली सब्जी मैं आज बनाऊंगी, क्योंकि खुद की जो सब्जी होती है ना अपने बगीचे में जो उगाई होती है, उसका खाने का टेस्ट ही अलग होता है। उसमें आप कुछ भी ना डालो ना फिर वो बहुत टेस्टी होती है। अब ये पता नहीं हमें ऐसा लगता है अपनी सब्जी है, इसलिए कि आप लोगों को भी लगता होगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, जो अपनी चीज़ें उगाई होती है उसमें खाने में मज़ा ही अलग होता है गाइस। तो मैं भी करती हूँ शाम की तैयारियाँ, और हम लोग सब बैठे हैं, तरुण खा रहे खाना जो कि तीसरी चौथी बार खा रहे हैं, ये इनका कुछ पता नहीं लगता है, कवरली इनको भूख लगी रहती है। तो हम लोग तो अभी चाय पी रहे थे ओनली, तो ये लोग ये खा रहे खाना, ये चाय तो पीते नहीं है, खाना पता नहीं कितनी दफ़ा खाते हैं एक दिन में, जबकि खाना नहीं चाहिए वैसे, एक या दो टाइम ही खाना चाहिए। मैं गैप में खाता हूँ, मुझे कैसे गैप, फुल नहीं कर खाता हूँ मैं, फुल खाना चाहिए ना एक बार में, फुल नहीं खाना चाहिए उससे पेट भरता है। तो मम्मी पी रही है चाय, और आगे अगर मैं कैमरा घुमाऊँ तो बहुत लाइट पड़ रही है, अंधेरा ही आ रहा है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। देखो हमारी खेत की गोभी जो हमने खुद लगाई थी कितनी बड़ी बड़ी हो गई है, और इससे भी बड़ी बड़ी थी दो तीन, वो हमने पहले निकाल दी है, अभी दो तीन ही बची है ना, अब खत्म हो गया, बस ये लास्ट थी शायद, अब एक या दो सब्जी और होगी फिर हमारा गोभी का सीजन खत्म खत्म शिवा फिर हमारा गोभी का सीजन। तो गाइस हम देख रहे हैं साथ ही साथ में मोगली, नहीं देख रहे हैं रूडीज देख रहे हैं, शिको बोल रहे हैं मोगली लगाओ क्या मोगली नहीं बेटा,
मोगली नहीं देखना हमने, सुबह जो देखते हम मोगली, अभी नहीं देखना मोगली, मुंगली देख रहे हैं मुंगली। उसमें क्या क्या है, क्या है उसमें, पीपी है उसमें, मोगली में पीपी है। तो अभी थोड़ी देर पहले इतनी भयानक बारिश हो रही थी ना, और मैं ये सोच रही थी कि कब ये रुकेगी, और अचानक से अभी बारिश रुक गई है और मौसम खुल सा गया है। आप देखिए तो खुलने लगा है मौसम, और शाम को भी इतनी भयानक बारिश हुई थी कल रात को, तो मैं सो ही नहीं पाई। और मेरे को बारिश इतनी गंदी लगती है ना, मैं अगर तो रात को बारिश हो तो मैं सो ही नहीं पाती गाइस, जब तक बारिश कम ना हो या फिर बंद ना हो। क्योंकि पहले भी ऐसा हो गया ना, जब मैं अपने घर में थी, अपने मायके में थी, उस टाइम से मेरे को बहुत ज़्यादा डर लगता है। वो इसलिए कि शाम का वक्त था उस टाइम पे, 1-2 बजे का, और इतनी भयानक बारिश हो रही थी, और हमारे ना घर पे फ्लड आ गया। तो वो वाला दिन, वो वाली रात में कभी नहीं भूल सकती। और जब भी अब शाम को बारिश होती है ना रात को, तो मैं कभी नहीं सोती, आप विश्वास नहीं करोगे, मैं उठ के बाहर आ जाती हूँ बरंडे में, वहाँ पे बैठी रहती हूँ जब तक बारिश कम या बन मतलब रुक ना जाए ना, तब तक मैं सोती नहीं हूँ बिल्कुल नहीं। और अगर तरुण से बोलो ना कि बारिश हो रही है, तरुण बोलते हैं हाँ बढ़िया है, बढ़िया, नींद आ रही है मेरे को तो बारिश में, तो बारिश तो में नींद आती है सबको, देखा बारिश लगती है। पहले मैं भी यही सोचती थी, जब से हमारे साथ वो सब चीज़ हुई है ना, उस टाइम से तो मेरे को इतनी नफरत है बारिश से। आप कहाँ जा रहे? मशीन में जा रहा हूँ। मशीन तक क्यों, वो सेब भरने? अच्छा घूमने, हम यहाँ काम कर करके थक जाते हैं, ये घूमने चले हैं। तो चलो अभी मौसम तो रुक गया है, थोड़ी शांति होगी, नहीं तो मेरे को ऐसी टेंशन हो जाती है कि अगर पूरी रात बारिश लगेगी तो मैं सोऊंगी कैसे। तो चलो अब चलते हैं किचन में और करते हैं शाम की तैयारियाँ। वैसे मैं अभी खाना बना रही थी, डिनर बना रही थी, मैं यही देखने बाहर आई कि बारिश रुकी कि नहीं रुकी। क्योंकि जब तक बारिश रुक नहीं जाती ना अच्छे से, मेरे से ना काम होता है ना मेरे अंदर किचन में मन लगता है तब तक। तो अभी रुक गई है बारिश, तो चलो करते डिनर की तैयारियाँ, और आज की इस वीडियो को भी करती हूँ यहीं पे एंड। होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपने इंजॉय किया होगा। तो मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और जो भी चैनल पे नए हैं वो प्लीज सब्सक्राइब कर दे चैनल को, तब तक के लिए बाय बाय।